वोट लेने खातिर हेते ते बच्चन के गोड़ पर गिर जाता नहीं लो आ कान निकल जाता ओकरा बस झाको नहीं खिलो आ देखे ई अब त आइल मुंह ल त करीखा से मार गाड़ी से मुंह फुला दियल जाए देखम ना मुखिया त मु मुड़ घुस बड़ा ना मु चोर बड़ा ओसन त कोई है नहीं है ना के मुखिया ऐसा जे इतना दिन से हम के 5 साल से भोजन में बानी सन हमार घर होयो हाय देखिए कसकारी में उनका गिर सब बंद कर दिले बनी करी ले खाली वोट खाती आके गोड़ पे गिरी ले लोग झुकी ले लोगे आज तक मुंह में करिखा पोते होंगे देख लीजिए नमस्कार न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सरफराज आलम और लगातार हम लोग विकास की पड़ताल कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कितना विकास हुआ ये देखने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है और ठीक इसके बाद मुखिया के भी चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि इस समय हम लोग सिवान के हुसैन ब्लॉक के मचकना पंचायत में पहुँचे हुए हैं जहाँ मचकना पंचायत का एक गाँव है और उस गांव में हम लोग पहुँचे हुए जहाँ पे यहाँ की जनता काफ़ी आपको बता दें कि जो वर्तमान यहाँ के मुखिया हैं उनके विरोध बिल्कुल सड़क पर उतर चुकी है और कारण यह है कि आप ये जो ठीक मेरे बगल में देख रहे हैं ये रोड है मेन रोड पर पूरा नाला का पानी लगा हुआ है और बिल्कुल नाले जैसी स्थिति हो गई है यानी कि गाड़ी अगर कोई लेकर आता है तो गाड़ी भी लेकर नहीं जा सकता है और पैदल भी नहीं जा सकता है इसके अलावा और भी कई सारे काम है जो मुखिया जी के द्वारा शायद नहीं हुए हैं यही कारण है कि आज ग्रामीण काफ़ी गुस्से में यहाँ के और डायरेक्ट अब इन लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे बताइए चाची क्या प्रॉब्लम है अच्छा हाँ मुखिया जी वोट लेवे खातिर कहते कि जो 5 साल हो गल जीतला वहाँ के कौन जब नाला बनवा दे नाला ना बनवा ले दुआर पर हमने के कचरा लगता हन पाक में हमने के बानी सन ए खाना खाए उठल बैठल हमने के मुश्किल हो गई बा नहीं के विश्वास तो यहाँ के रोड देख पानी रोड पर पूरा आ रहा है दिकदारी है और क्या पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है हाँ पूरा दिक्कत है गाड़ी है गाड़ी आपको हाँ पूरा मेन रोड है पानी आ रहा है बारिश भी होता है तो दिक्कत होता होगा एकदम लाजम दिक्कत होता है कितना लोग गिर जाता ढो जाता इतना आदमी गिर के ढो जाता लोग हाँ घाई हो जाता लोग कपार फूट जाता केहू एक सकारे वाला केहू नहीं के हे गरीब में हमार घर ढो होता हाँ मुखिया से कहल बा मुखिया साहब को होता नहीं मुखिया साहब को होता नहीं कि जे हमारा सकान हो जी नहीं के हाँ हमारा सकान हो जी नहीं के वो सरकारी में पानी गिरता है एथी में मुखिया जी कहे को होता नहीं के सकान नहीं कहा जानी जे जी के लोग से का बात हमारे गांव सिंगारपट्टी है मचकना पंचायत ठीक है उसमें मुखिया जी को जीतते हुए मतलब कब बोले हैं कि हम तीन महीने के अंदर में हम जीतते समय तीन महीने के अंदर में हम मतलब कि नाली को बनवा देंगे मुखिया जी ने वादा किया हाँ वादा किए हैं हाँ अभी तक मतलब देखते 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 4.5 साल हो चुका है हाँ पैसा चंदा वसूल कैसा कुछ क्या जी जी अब नाली का पैसा हम तो अपना मैं तो 10 नंबर वार्ड से हम बोल रहे हैं हम अपना नाली हम अपने पैसे से बना रहे हैं हैं उसमें हाँ निजी पैसे से उसमें मुखिया जी बोला है कि एक बार हम काम लगाए तो मुखिया जी बोला कि काम छोड़ दीजिए समित सिंह हाँ तो वो बोले कि काम छोड़ दीजिए तो हम काम करवा देंगे तो काम नहीं करवाएं तो हम उसके बाद से हम अपना निजी पैसा से अपना नाली निकाल दिए ये ग्रामीण जनता ने मतलब कि ये जब है रोड का ये नाली में बनाने के लिए कह रहे हैं तो अभी आज तक 4.5 साल हो गए नहीं वो बना सकते हैं सिंगारपट्टी गांव आप लोग बता दें आपको कि सिंगारपट्टी गांव में हम लोग हैं जो कि मचकना पंचायत में आता है हुसैन ब्लॉक का यह एरिया है जब मुखिया जी चुनाव जीते थे सुमित सिंह यहाँ के मुखिया हैं जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये रोड मैं बनवा दूंगा नाला बनवा दूंगा जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं दिक्कत ये है कि थोड़ी सी बारिश आती है तो पूरा पानी लग जाता है यही कारण है कि जनता काफ़ी अभी नाराज़ है थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं यहाँ पे बहुत दिक्कत है यहाँ पे नाला जो कि एक नाला के चलते गाड़ी घोड़ा आने जाने में दिक्कत है यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है जहाँ पे मुखिया जी बोले थे बनाने के लिए वहाँ पे बना नहीं है अभी तक हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है आने जाने में वोट लेने खातिर हेते थे बच्चन के गोड़ पर गिर जाता नहीं लो आ कान निकल जाता ओकरा बस झाको नहीं खिलो आ देखे अब सवाल हो कि अब त आइल मुंह ल त करीखा से मार गाड़ी से मुंह फुला दियल जाए देखम ना
काहे ना नाराज हो, देखे हमारे दुआरी के सुधर इतना गजन के सही जी बताई ना, पूरा हमारे दीवार फाट फाट के गिरत, जाके आंगन में देखे चूल्ही तो कितना पानी लागल बा, कितना पानी लागल एकदम के बात ना करनी के मुखिया तो मुड़ घुस बड़ा ना मुँह चोर बड़ा ऐसा तो कोई है नहीं है ना मुखिया ऐसा विधायक कोई नाम नहीं खेले सर बनाए के कोई नाम नहीं खेले सब कोई बोलता है ऐसे बाकी नाम नहीं खे कोई ले आइए थोड़ा सा और आगे कुछ लोगों से बात करते हैं ना ना ये है हाँ कहाँ चाची कहाँ कहो तुम बहुत तो बनी है ना कहो तो नहीं जे इतना दिन से हम का पांच साल से भोजन में बानी सोन हमार घर हो यो हाँ देखिए हाँ हाँ आ कसकारी में उनका गिर होता हूँ ऐसा बंद को देले बनी हाँ आ वहाँ का घर बनावे जाता नहीं तो हमने क्या और पानी कहाँ ले जाए सो वहाँ के कसके सरकारी अथी में कसकारी में पानी गिरा था हमने सबके सवाल चाची बा के जब वोट मांगे ना आवे नहीं मुखिया जी तब सवाल ना करे मुखिया जी सरकारी ले कोई लेके कि जो हम नाला बनवाम चाहे होई काम करम हम करा कोनो काम ना करी ले खाली वोट खाती आके गोर पे गिरी ले लोग झुकी ले लोगे आइए आइए थोड़ा सा और भी लोग से बात करते हैं प्रयास करते हैं क्या कर रहा लोग वार्ड कमिश्नर रह ले सब लोग टूटा रह गया दो सौ आदमी टूटा रह क्या किसी है चाचा क्या दिक्कत हो गया है दिक्कत हो गया है कि हमारे खेत में पानी जा रहा है सारा लोग का नाली का पानी ही आ रहा है ये वार्ड कमिश्नर है ये भी आज जुड़े भी खड़ा थे आके तीन दिन में आके यहाँ हम बांधे थे आके ये खुलवाए हैं आया तो कहाँ थे मुँह में कच्चा लग गया है क्या अब क्यों नहीं आ रहे हैं अब मुखिया आए थे ही आए थे दो दो के वार्ड यहाँ आए थे है देख नहीं रहे आप ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है अरे आपके मुंह पर एथिक लिख रहा है का साइन वो लगाया गया बैमान की छुट्टा है इस पर है बोर्ड आप आए हैं ये निकालिए न्यूज जाएगा कि नहीं जाएगा कोई है प्रमाण कोई प्रमाण है आपके पास अरे कोई प्रमाण नहीं ना है हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है जब चलेगा तब चलेगा उसी तरह ये लोग आके कह गए आज तक मुंह में कोरिखा पोते होंगे देख लीजिए क्या कहे वो तो जीते समय भी कहे हैं कि हम दो तीन महीना से बना दौड़ हाँ जीते जीते समय में वो बोला है ये दूसरा पंडा होता है तीसरा इन्हीं के जिम्मा है सब घोटाला खा गए हैं ये लोग आज तो पानी गिरा है गिरता है पानी कहाँ गिरेगा पानी आएगा ही ना नल जल योजना साढ़े चार साल हो गया आप लोग तो फिर से चुनाव होने वाला फरवरी में शायद नल जल का पानी गिरेगा हाँ नल जल तो ठीक है कंप्लीट अब हो जाएगा अब मतलब काम हो रहा है नहीं काम हो रहा है उसमें काम हो रहा है लग जाएगा आ जाएगा तो दो महीने ही कट जाएगा अगला बार देखा जाएगा तो क्या कीजिएगा सब मुखिया जी पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम लोग क्या करें पैसा नहीं दे रहे हाँ तो पैसा देंगे तभी तो होगा नल जल हाँ तो आप दिए हैं पैसा तो नल जल में अपना काम है तो आज आए आने के समझे यही बात है चलिए तो आपको एक चीज़ बता दें कि इस समय हम लोग सिवान के उषा ब्लॉक के मचकना पंचायत में है जहाँ के मुखिया सुमित सिंह हैं उनके खिलाफ जनता इस समय बिल्कुल आक्रोश में है क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था उस वादे पे शायद वो खड़े नहीं उतर पाए हैं यही वजह है कि यहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ है उनसे और लगातार इस तरह के विकास की खबरें आगे भी दिखाते रहेंगे अलग अलग पंचायत में जाएंगे वहाँ से जाकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो विधायक जी या मुखिया जी ने वादा किया था उस पर कितने खड़े उतर पाए लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।